गाइस वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। एक आरआरसी ग्रुप डी की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इलाहाबाद की तरफ से, जहां लगभग 306 छात्र को पकड़ा गया जो कि धोखाधड़ी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे रेलवे के साथ। उन 306 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और उनका कैंडिडेचर पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, ठीक है। और ये रेलवे ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक 306 कैंडिडेट की लिस्ट थी। ये बहुत बड़ा अपराध किया है उन्होंने कि एग्ज़ाम किसी और ने दिया है, नाम किसी और का था, फिंगरप्रिंट किसी और की थी। तो इसके लिए रेलवे ने उनका लिस्ट जारी किया गया। चलिए देख लेते हैं क्या लिस्ट जारी किया गया है। क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर प्रोविजनल पैनल फॉर पार्ट 3 फॉर इम्प्लॉयमेंट ऑन द पब्लिक पोस्ट लेवल 1, ठीक है। ये ग्रुप डी का है, तो ओपन करते हैं इसको, क्लिक डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया और ये मैं ओपन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है। तो यह इलाहाबाद का है। केंद्रीय रोजगार सूचना 2018 के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। केंद्रीय रोजगार सूचना यहाँ पर साफ तो दी, रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित भर्ती समय संबंधी अन्य प्रक्रियाओं जैसे मूल दस्तावेज सत्यापन, उम्मीदवारों के वास्तविक अभ्यर्थन जाँच और चिकित्सा के पूर्ण होने पर गैर दिव्यांग, मैंने ये कहा जा रहा है कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी पूरी तरह से उनका डीवी कर गया है, मेडिकल कर दिया गया है, और सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पैनल में नाम दिया गया है, ठीक है। हिसाब से यहाँ एक और नोट करके लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, दस्तावेज सत्यापन के दौरान जाँच के शीर्ष पर जिन अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया को लंबित रखा गया है वह कुल 306 है। मतलब ये उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था तो जो बैकग्राउंड में जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, तो उसमें उन 306 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम पाया गया है, मैंने एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम पाया गया, मिसमैच हुआ है, तो इन 306 अभ्यर्थियों को जो है ना पेंडिंग में रखा गया है, ठीक है। साफ साफ लिख दिया गया है यहाँ पर, उक्त अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, हेतु विचरण नहीं पाए गए प्रथम से संबंधित पाए गए कि अब निरस्त कर दी गई है, ठीक है। इनकी कैंडिडेचर पूरी तरह से ही समझ लीजिए कि आप इनको हटा ही दिया गया पैनल से और इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी मेडिकल जांच में अनुपस्थित पाए गए तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान भाग गए, मतलब कुछ इसके अलावा 306 तो कैंडिडेट वो थे जिन्होंने फर्जी थे, प्लस इसके अलावा जो और भी कैंडिडेट थे जिन्होंने डीवी कंप्लीट ही नहीं किया, आधे डीवी करके भाग गए, या फिर मेडिकल को भी पूरा कंप्लीट नहीं किया, आधे मेडिकल करके चले गए, तो उनका भी जो कैंडिडेचर है ना उनको पूरी तरह से रेलवे ने रद्द कर दिया है, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें रेलवे चिकित्सा द्वारा फिट प्रमाण पत्र के निम्न चिकित्सा कोटी B1, C1, C2 के कारण जिन अभ्यर्थियों के पद आवंटित नहीं किया जा सका वे चिकित्सा पुनरीक्षण हेतु अपील करने के लिए दिनांक 7/11 का रेल भर्ती प्रकोष्ठ इलाहाबाद के वेबसाइट पर जारी का पालन कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मेडिकल क्राइटेरिया में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जिनको B1 दिया गया, C1, C2 दिया गया, और वो कैंडिडेट जो थे उसकी पोस्टें नहीं है, उसकी पोस्टें फुल हो चुकी है, ठीक है, वो किसी और को मिल चुकी है, तो उन पोस्टों को फिर उन स्टूडेंट को जो A2, A3 मेडिकल में फेल किया गया उनको वो अपील कर सकते हैं। उनको अपील करने के लिए 7 नवंबर, ठीक है, 7 नवंबर को वेबसाइट भी आया, लिंक भी आया था जिससे वो अपील कर सकते थे और अब मेडिकल के लिए अपील कर सकते थे, ठीक है। याद देख सकते हैं वहाँ पर बताया गया कि वो अपने जो रोल नंबर डाल सकते थे और वहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको अपील कर सकते थे। हालांकि उक्त पैनल को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, किसी भी मान्य फुल टंग, मतलब ये जो पैनल है बहुत ही सावधानी से पैनल तैयार किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ भी मतलब गड़बड़ होने की, कुछ भी जो गलती होने की संभावना होती है ना उसमें बहुत कम ही चांस है कि इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। द प्रोविजनल पैनल थ्री अगेंस्ट द इतना नोटिस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर, ये प्रोविजनल पैनल पार्ट 3 था जिसमें लगभग 183 स्टूडेंट का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ लगभग देखा बताया जा रहा है कि यहाँ पर 183 स्टूडेंट का नाम आ चुका है इस पैनल में, ठीक है। अगर पहले बात करते हैं तो AGC 48 मतलब आपका हो गया आगरा डिवीज़न में देख सकते हैं लगभग आपका 48 स्टूडेंट का नाम आ चुका है आगरा डिवीज़न में, 48, ठीक है, आगरा में लगभग 48 स्टूडेंट का नाम आ चुका है अपना रोल नंबर, जहाँ से स्टूडेंट जो है अपना मैच कर सकते हैं इनका रोल नंबर है कि नहीं। उसके बाद बात करें इलाहाबाद की, तो लगभग इलाहाबाद में 81 स्टूडेंट को डिवीज़न मिला है, ठीक है। ये सारे डिवीज़न है, आगरा में 48, इलाहाबाद में 81 स्टूडेंट का डिवीज़न मिल चुका है, ठीक है, वो अपना रोल नंबर यहाँ मैच कर ले। इसके अलावा झांसी की बात करें तो झांसी में 53 स्टूडेंट का नाम आ चुका है,
ठीक है। अगर एक सर्विसमैन की बात करें तो लगभग यहाँ 13, ये देख सकते हैं इस सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ इलाहाबाद में दिया गया है 3 स्टूडेंट को, उसके बाद झांसी पे दिया गया है। अभी अगर वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो अगर वैकेंसी देखा जाए तो इससे पहले जो पैनल आई थी पैनल 1 और पैनल 2, ठीक है, जो पैनल 1 आई थी ना, पैनल 1 प्लस पैनल 2, इसमें लगभग लगभग समझ लीजिए कि आप जो इसमें लगभग अगर उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, टोटल जो वैकेंसी थी 4,762 वैकेंसी थी, ठीक है, पैनल 1 प्लस 2 को छोड़ दिया जाए लगभग 1450 वैकेंसी बच रही थी, ठीक है, ये बच रही थी। इसमें से लगभग समझ लीजिए कि 183 का पैनल आ चुका है तो लगभग आपका 1250, ठीक है, 1250 जो सीटें अभी भी खाली है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 4,762 वैकेंसी थी, लगभग 1450 इतनी सीट बच रही थी, ठीक है। अभी समझ सकते हैं कि 1250 जो है सीटें अभी भी जो है सीटें खाली पड़ी हुई है, ठीक है। इसका मतलब जो है पैनल 4 भी और प्लस 306 स्टूडेंट वो हो गए जिनके कई नर्से रद्द कर दिया गया है, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीवी करवाए नहीं है, मेडिकल करवाए नहीं है। तो अगर उन ओवरऑल की जोड़े ना तो लगभग आप समझ सकते हैं कि आगे भी जो डीवी है ना, डीवी आगे भी डीवी हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए डीवी आगे भी शेड्यूल किया जा सक जारी किया जा सकता है। तो यार अभी इलाहाबाद की एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जिसमें लगभग 306 कैंडिडेट को पकड़ा गया है फर्जी, ठीक है, और उनके कैंडिडेट रद्द करने के साथ आरआरसी जो इलाहाबाद ने कहा कि हम उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे। तो सो गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना, बोल दी सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।